राम राम दोस्तों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, आज जो अपन बात करेंगे भारत के प्रमुख झरने हैं इनकी बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, झरनों के बारे में अपन बात करें कौन कौन से महत्वपूर्ण झरने हैं, तो देखेंगे आप कुंचिकल झरना है, ये वराही नदी पर है, कर्नाटक में 453 मीटर इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंचा झरना है। कई पुस्तकों में जोग गर्सोपा दे रखा है, जो नहीं है इसके बाद एक जोग गर्सोपा है, महात्मा गांधी शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है, 225 मीटर की ऊंचाई इसकी। इसके बाद में येना की बात करें, येना नदी पर है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। शिव समुद्रम की बात करें, कावेरी में है, कर्नाटक के अंदर, कावेरी नदी पर कर्नाटक में। गौतम धारा की बात करें, रारू नदी पर झारखंड में है। पायकारा की बात करें, पायकारा नदी पर है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। चूलिया है, ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में। धुआंधार है, नर्मदा नदी पर, जबलपुर में। पुनासा है, नर्मदा नदी पर, जबलपुर में। मदार है, नर्मदा नदी पर, एमपी में। चित्रकूट जो है, ये इंद्रावती है नदी पर, और छत्तीसगढ़ में। इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, यूरोप में एक ये आपका झरना है नियाग्रा के नाम से, तो भारत का नियाग्रा है यह है, इसे कहा जाता है चित्रकूट। आपका जो झरना है उसको कहा जाता है। तो देखिए मित्रों, ये आपके झरने थे, नदी थी, और ये प्रमुख क्या थे, स्थान थे। तो झरने, नदी और स्थान हैं, इनको आप देखेंगे कोई विशेष बात नहीं है, एक दो बार देखेंगे वीडियो को, एक दो बार लेक्चर को देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद मित्रों।